एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी स्पेंडिंग चैनल। मैं वर्षा। और कैसे हो गाइज आप लोग? और गाइज आज है फ्राइडे, दैट इज 12th मार्च, और मेरे सब काम हो चुके हैं। मैं जस्ट अभी शॉवर लेके आई हूँ, आप देख सकते हो मेरे बाल अभी तक वेट हैं, और मैं इसे नेचुरल ड्राई होने दूंगी। आप भी गाइज जब भी हेयर वॉश करोगे इसे नेचुरल ड्राई होने दीजिए, ड्रायर वगैरह मत यूज़ कीजिए। और गाइज मैं आज कैसी लग रही हूँ आपको? मैंने आज इंडियन ड्रेस वेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो। मैं पूरा बताती हूँ कि मैंने क्या पहना है, और मैंने कोई ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। और गाइज एक्चुअली मैंने ड्रेस परचेज किया था ना, तो इसके दुपट्टे देख के, ओढ़नी देख के मैंने परचेज किया था। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, रेनबो कलर्स में फुल। और ये देखिए, एक्चुअली गाइज ये ड्रेस को 1 आवर के ऊपर हो चुका है, ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट मैं ज़्यादा ड्रेस वेयर नहीं करती हूँ, कभी कभार मैंने इसे यूज़ किया हुआ है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ड्रेस। गाइज अभी नवरात्रि के 9 डेज शुरू है, तो आज है 8th डे, दैट इज़ अष्टमी। आज अष्टमी बोला जाता है हमारे यहाँ, जैसे मेरी मम्मी के यहाँ पे, इन लॉस के यहाँ नहीं, मेरी मम्मी के यहाँ पे अष्टमी नवरात्रि वो बहुत अच्छी तरह से 9 डेज पूरा पूजा करती है, उपवास वगैरह पकड़ती है, तो आज उनके यहाँ पे अष्टमी पूजा करने वाले हैं। तो मम्मी के यहाँ जाने के लिए सिर्फ मुझे गाइज 15 to 20 मिनट्स लग जाता है, तो मैं आज मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। मम्मी के यहाँ जाने के बाद से मैं आपसे मिलती हूँ, और वहाँ पे आज मेरी मम्मी अष्टमी का पूजा कैसे करने वाली हूँ मैं आपसे पूरा शेयर करूँगी। नवरात्रि का आप भी किस तरह से पूजा करते बताइए, क्या होती है पूजा, पर सब जगह का अलग अलग तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ का मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कैसे अष्टमी की पूजा करते हैं। बाकी के जो प्रिपरेशन बाकी है वो सब पहले करना है, क्योंकि पूजा जो अष्टमी का है वो इवनिंग में होने वाला है, तो मैं आपसे इवनिंग में पूरा शेयर करूंगी। अभी मैं निकलने वाली हूँ, क्योंकि अभी 11 o'clock हो चुका है। अभी जा रही हूँ, पहले बाकी के जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा मम्मी को हेल्प कर देती हूँ, उसके बाद से पूजा करते हुए मैं आपसे मिलूंगी। तो गाइस अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दी। इससे क्या होगा, आप मेरे वीडियोज़ एक भी मिस ना करोगे, इसके नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मम्मी के यहाँ चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, मम्मी ये जो अष्टमी की पूजा कर रही है, सबसे पहले नीचे मम्मी ने जौ रखा है, उसके ऊपर ये मिट्टी का कलश है, और उसे पीले सिंदूर से पूजा कर रही है। और उसके बाजू में आप देख रहे हैं 7 लाइन बनाएगी वो, ये जो माता जी बोलते हैं वो माता है, ये 7 माते, उनका भी वो पीला सिंदूर से लाइन बनाकर पूजा करेगी। और यदि कलश के ऊपर मम्मी ने आम के जो पत्ते बोलते हैं पल्लो वो रखे हुए हैं, उसके ऊपर जो गेहूं का आटा है, और उसके ऊपर दिया रखा है। अब मम्मी इसे हार से सजा रही है, कलश पे हार चढ़ा रही है अच्छे से। तो ये देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है। अब मम्मी कलश के ऊपर साड़ी चढ़ाएगी। गाइज बचपन से मेरी मम्मी साड़ी रखती है, कहीं पर किसी और के यहाँ पे मैंने देखा ऐसा कि वो चुनरी भी चढ़ाते हैं देवी के लिए, हम सिर्फ साड़ी ही चढ़ाते हैं हर साल। बस यही ध्यान रखते हैं कि साड़ी कलरफुल होनी चाहिए, बांधनी की होनी चाहिए, पर कोई भी साड़ी में थोड़ा सा भी काला कलर नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, वो साड़ी नहीं चढ़ाते हैं। तो ये देखिए साड़ी भी अच्छी तरह से मम्मी ने चढ़ा दी है। अब मम्मी वो दिया जो ऊपर रखा हुआ, तो दिया जलाने के बाद से आप पूरा देख सकते हो सामने से कितना अच्छा लग रहा है। अब जो 7 देवी माता का मम्मी ने वो जो लाइन बनाया था पीला सिंदूर से सजाया था, इसे पीला सिंदूर बोलते हैं, उससे वो लाइन किया था मम्मी ने। अब उस पर मम्मी फूल रख के अच्छी तरह से अगरबत्ती से इन्हें पूजा करेगी। तो ये देखिए गाइज मम्मी ने अच्छी तरह से अगरबत्ती लगा दिया है, पूजा कर लिया है। अब मम्मी ये जो लोटे में पानी रखा हुआ है उससे 2 से 3 बार घुमाकर ऐसे कॉर्नर में थोड़ा सा पानी गिराएगी जल। अब क्या करना है, इसके बाद जो हमने 7 माता बनाए थे वो 7 माता के लिए जो नैवेद्य बोलते हैं, भोग बोलते हैं भगवान के लिए, वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो ये जो नीचे के 2 पूरी मम्मी ने रखे वो दाल पूरी बोलते हैं, दाल पूरी मीन्स वो भरा हुआ पूरी है इसके लिए दाल से, और जो ऊपर है वो नॉर्मल पूरी है सादी पूरी, और इसके ऊपर जो मम्मी रख रही है वो है मीठा खीर। जो हम नॉर्मल खीर बनाते हैं वो शक्कर का होता है, और ये जो खीर बनाया मम्मी ने ये गुड़ का बना हुआ खीर है। ये देखिए ये पूरी और खीर जो बोलते हैं मीठा, जो नैवेद्य प्रसाद है भगवान को वो चढ़ गया है प्रसाद। अब मम्मी उसे जल चढ़ा रही है, पूजा करके ऐसे पानी थोड़ा सा नीचे डाल रही है, आप देख सकते हो।
तो गाइस इसी तरह से प्रसाद चढ़ाने के बाद से हम लास्ट में एक आरती करेंगे, देवी का माता जी का आरती होगा और आरती करने के बाद से पूजा पूरी एंड हो जाएगी। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मैं भी प्रेयर करती हूँ, आप भी प्रेयर कीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है वो सब पूरी कर दे भगवान और आप हमेशा हैप्पी रहिए।